5 साल में मैंने 3 बारी 10 से ज्यादा किलो वजन कम किया है, लेकिन हर बारी उससे ज्यादा वजन बढ़ जाता था मेरा। अब आप कहोगे मेरे को फालतू बातें क्यों बता रहा है, मैं तो यहाँ पे ऑनर मैजिक वॉश टू का रिव्यू देखने आया था। तो है जी, वही नहीं करेंगे, रिव्यू ही करेंगे। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े पैसे लगा के एक स्मार्ट वॉच खरीद लूं, जिससे मेरी थोड़ी मोटिवेशन शायद बनी रहे। इसी चलते मैंने ऑनर का मैजिक वॉच टू लगभग 8 महीने पहले खरीदा था, और आज इस वीडियो में आपको मैं डिटेल रिव्यू दूंगा ऑनर मैजिक वॉच टू के सारे फीचर्स का, और वो 8 महीने बाद भी कितने काम आते हैं या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वॉच की बॉडी की, जो कि बनी हुई है स्टेनलेस स्टील से, जिसकी वजह से काफी रगड़ है और काफी रोबस्ट है। ये कई बार मैं गिरा चुका हूँ पिछले 8 महीने में, और इस पर अभी तक एक भी स्क्रैच नहीं है। तो ऑनर ने अपनी घड़ी की जो बनावट है वो काफी अच्छी रखी है इस मामले में। आप देखना चाहे तो मैं इसको अभी यूं गिरा के दिखा दूं। ब्लूटूथ कॉलिंग इसका शायद एक ऐसा फीचर था जिसकी वजह से मैं इस घड़ी की तरफ थोड़ा इंक्लाइन ज्यादा हुआ था। और हाँ, आज भी 8 महीने बाद भी मैं इसके ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर को काफी ज्यादा यूज करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरा फोन चार्जिंग पर पड़ा हुआ है, तो कभी मुझे कॉल आता है तो मैं इस घड़ी से ही बात करके अपनी कॉल ले सकता हूँ, और इसका वॉइस आउटपुट काफी डिसेंट है। हेलो हेलो। इसका दूसरा यूज केस ये है कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं होता हूँ गाड़ी के, तो मैं कोई भी कॉल इस घड़ी से ले सकता हूँ। तो ब्लूटूथ कॉलिंग इसका एक अच्छा फीचर मैं कह सकता हूँ। बैटरी एक ऐसा फीचर है जो इस घड़ी का काफी प्रोमिनेंट फीचर है। नॉर्मल यूजेज पे इसमें कम से कम 10 दिन का सपोर्ट मुझे मिल जाता है, और अगर मैं दिन में 1 या 2 घंटा रनिंग या जिम करूं तो ये घड़ी का बैटरी बैकअप लगभग 7 दिन तक मुझे आराम से मिल जाता है। वॉच फेसेस में ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद मैं काफी बोर हो गया था, तो मैं अब इसको एक ही वॉच फेस के साथ यूज करता हूँ। वैसे तो इसमें 100 से भी ज्यादा वर्कआउट मोड्स हैं, लेकिन मैं प्रोमिनेंटली रनिंग, वॉकिंग और स्ट्रेंथ मोड यूज करता हूँ। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी एक्यूरेसी की। रनिंग में, आउटडोर रनिंग में जीपीएस के साथ इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। आउटडोर रनिंग में मैं जब अपनी सोसाइटी में भागता हूँ तो ये काफी एक्यूरेसी से डिस्टेंस और स्पीड ट्रैक कर लेता है। 10 किलोमीटर में मैं ये कहूंगा फॉर एवरी 10 किलोमीटर ये लगभग 100 मीटर या 200 मीटर का एक एरर देता है। इंडोर रनिंग, ट्रेडमिल रनिंग पे मेरा एक्सपीरियंस इस वॉच के साथ काफी अच्छा नहीं रहा है। मैंने ये नोटिस किया है कि ये स्मार्ट वॉच थोड़ी ज्यादा स्पीड बताती है एज कम्पेयर टू दी एक्चुअल स्पीड जिस पे आप भाग रहे हो। आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है इंडोर ट्रेडमिल रनिंग पे, मुझे जरूर कॉमेंट से बताइएगा। किसी भी स्मार्ट वॉच के लिए उसके ऐप का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही मैं ऑनर की एंड्रॉइड ऐप के बारे में काश कह सकता। वाई हेल्थ जो ऐप है उसमें आप काफी चीजें कर सकते हो, जैसे कि अपना स्लीप एक्टिविटी देखना, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स देखना, अपना SPO2 देखना। लेकिन सबसे बेसिक चीज जो है उसमें वाई हेल्थ ने पता नहीं क्या किया हुआ है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ जो ये हुआ था कि मैं जब इस वॉच को पहन के और अपने फोन को लेके साथ में कभी भी भागने जाता था तो ऐप में हमेशा डिस्टेंस को डबल काउंट करता था। ये एक वाइडली नोन प्रॉब्लम है जिसके बारे में काफी लोगों ने कंप्लेंट कर रखी है। तो इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, मैंने अपने फोन में इस ऐप को लोकेशन एक्सेस डिसेबल कर दिया, जिसकी वजह से अब ये ऐप मेरे मोबाइल के थ्रू स्टेप्स काउंट नहीं करता है, और अगर कभी मेरे को ऐप में देखना होता तो मैं ऐप में डिस्टेंस ठीक देख पाता हूँ। जिस बात से मैंने वीडियो शुरू किया था उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। जब से मैंने ये घड़ी ली है तब से मैं काफी डिसिप्लिन्ड हो गया हूँ। पिछले 8 महीने से मैं लगातार किसी ना किसी फॉर्म की फिटनेस एक्टिविटी करता रहता हूँ, चाहे वो रनिंग हो चाहे वो जिमिंग हो, और मैं उन एक्टिविटीज को इसी वॉच के थ्रू रिकॉर्ड करता हूँ और मॉनिटर करता हूँ कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। आप एक टाइम पे इस वॉच में लगभग 10 एक्टिविटी रिकॉर्ड्स का मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा देखना है तो आपको उसकी ऐप के थ्रू ही देखना पड़ेगा। And if you have made this far in the video, please hit the subscribe button so that I get some encouragement and make more videos like this for you in the future. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करे बिना तो जाइएगा ही मत। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ, प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।